और हरीश के पल्ले से निकलता हुआ पहला खूबसूरत पहली गेंद पर एक रन लेके खाता खोलते चौराहे चोर से छह रन मिलेंगे। इस बार खेला गया सात या खत्म हो सकता था हरीश का भी नो बॉल। इस बार नो बॉल का इशारा आता हुआ आते हैं फिर से नो बॉल यहाँ पर नो बॉल लगातार इस बार फिर से नो बॉल का इशारा इस बार इसी तौर पर लाभ कर दिया है लॉन्ग एरिया में हवाई रास्ते से एक और खूबसूरत छक्का तो एक ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान के सौरभ पांडे 11 स्टार की ककुआ का स्कोर है इस समय 16 रन। दूसरा ओवर खजर चार रन मिलेंगे तो इस तरह से लॉक कर दिया है डीप कवर और डीप वाइड के बीच पहला विकेट गिरता हुआ यहाँ पर कोई गलती नहीं किया कीपर अकमल ने तो पहले विकेट का पतन हो गया है और इस बार कैलिस के बल्ले से निकलता हुआ खूबसूरत छक्का डीप मिड विकेट एरिया में हवाई रास्ते से तो खाता खोला है छक्के से कैलिस ने। इस बार और हल्के हाथों से पुश किया गली में और इसी बीच दो ओवर में 27 की समाप्ति के बाद सामने है बल्लेबाज रवि सही तरीके से गेंद बल्लेबाज आई नहीं फिलहाल एक रन मिल जाएगा इसको नुकसान का स्कोर है 30 रन तीन ओवर में 30 रन अच्छा ओवर कहा जाएगा चंडेरी एक तरफ से ये कैलिस के द्वारा लॉक कर दिया गया है चार रन मिलेंगे डीप स्क्वायर लेग एरिया में एक कप्पे के साथ गेंद चली गई छह रन मिलेंगे वाइड बॉल इस बार बल्ले का एज लगा आउट दे दिया यहाँ से आ तक नहीं सकते कट्टी सिंह और कमल सिंह बेहतरीन अधिकारी करने के लिए जाने जाते हैं उसी बीच एक और विकेट का पतन होता हुआ गोरेलाल के नाम से भी जानते हैं सचिन गोरेलाल फिलहाल ले जाने जाते हैं बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं और उसमें भी बेहतरीन खेल भी करते हैं की समाप्ति होगी चार ओवर की समाप्ति के बाद दो विकेट के नुकसान पर इस समय स्कोर है सौरभ 11 ककुआ टीम का स्कोर 43 रन तो चार ओवर की समाप्ति के बाद 43 दो विकेट के नुकसान पर चौराहे चोर से इस बार लॉक किया है वहां पर फील्डर मौजूद ओवर की समाप्ति के बाद दो विकेट के नुकसान पर स्कोर है इस समय सौरभ 11 ककुआ टीम का 47 रन तो अब यहां से बात करें तो आधे खेल का सफर पूरा हो चुका है यानी कि छठा ओवर आएगा चलिए इस बार खेला है सात और थ्री पॉइंट एरिया में खड़े हैं फील्डर फील्डर ने कोई गलती नहीं किया किसी भी गेंद और विकेट का पतन होता हुआ जैसा कि हम बता रहे थे कि सीआरआई पर क्रिकेट प्रतियोगिता में जो महान शख्स के द्वारा जो योगदान आया है तो उनका नाम लेना चाहूंगा जब तक छह रन मिलेंगे लॉस कर दिया है जिसे फील्डर के पास कोई मौका नहीं गेंद चली गई हवाई रास्ते से एक और सीआरआई पर छक्का तो छह ओवर की समाप्ति के बाद तीन विकेट के नुकसान पर
स्कोर है सौरभ पांडे 11 स्टार ककवा टीम का 160 रन। एक और विकेट गिरता हुआ और इस बार हाई के हाथों से डिफेंस करते हुए स्ट्राइक भी अपने साथ चले। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया लेकिन अब निश्चित तौर पर नाकामयाब हो रहे हैं। धन्यवाद रवि। इस बार निर्देशन को छोड़ते हुए साथ बल्लेबाजी करते हुए स्कोर की बात हो तो अभी भी वही 65 रन। चार रन पंजा मिलता हुआ इस गेंद पर आता हुआ पार्क द्वारा निश्चित तौर पर 5 रन इस बार कर दिया है। यहाँ पर प्रयास बेहतर करते हुए बेहतरीन प्रयास यहाँ पर अहमद के द्वारा देखने को मिली। बिल्कुल यहाँ पर एक फील्डर पहले ही लग बिल्कुल इस तरह से बल्लेबाजी कर दी गेंद बाद यहाँ से टिकट लेके जाएंगे वक्त बताएगा। इस बार लाभ कर दिया है लेकिन उसमें नीचे खिलाड़ी जा रहे हैं जरूर और यहाँ पे कैच में सेता हुआ दूसरे रन के लिए एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। जी हाँ इसी बीच एक रन और आता हुआ बिल्कुल वहाँ पे हवा का प्रभाव था। इस बार मौका हो सकता है उसके नीचे है खिलाड़ी स्वयं गेंदबाज ने फालो थ्रो में गेंद को कैच किया तो एक और विकेट का पतन होता है। बिल्कुल वहां पर गेंदबाज थोड़ा सा पोस्ट हुए अपने फील्डर को लॉन्ग आउट एरिया में कैच पकड़ा जाना चाहिए था। फिलहाल क्या होगा ओवर की समाप्ति होगी तो 8 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान पर स्कोर है सौरभ 11 ककवा टीम का किस समय 84 रन और अब यहां से मात्र 2 ओवर का खेल शेष। और इस बार बल्ले का सही तरीके से गेंद आई नहीं पहले रन के बीच भाग रहे हैं और वहां पर बिल्कुल तरीके से लॉन्ग आउट के फील्डर ने अंतिम क्षणों तक बॉल पर निगाहें लड़ाए रखा और शानदार कैच पकड़ा के चार विकेट का पतन होता हुआ तो रोनू के पारी का अंत होता हुआ। इस बार कटी लॉक किया है वहां पर फील्डर जरूर तो निश्चित तौर पर हमारे अंपायर जाकर के चेक करेंगे। जी हाँ आप दर्शक बैठ करके इशारा करते हुए और जितने भी दर्शन में पहले ही कहा कि मेरे दोस्त दोनों टीमें अपने लिए समान है जो सही है बिल्कुल वही बताना दिया है यहाँ पर चौका। इस बार लाभ करने का प्रयास बिल्कुल आप बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं बिल्कुल के लिए विक्की के लिए अच्छी हुई है बल्ले का किनारा लेकर हाइट का फील्ड और उसके नीचे एहसान आते हुए और कैच एक रन लेने का मौका आसानी से एक रन आता हुआ तो इसके साथ छोटा कूदता इसको सौरभ 11 का 90 रन 9 ओवर। लॉन्ग ऑफ इस बीच चले सूरज पच्चू हुई है सीधा कमल सिंह की हाथ हवा में सीधा कार्यक्रम की गेंद खोद कर निकाला लॉन्ग रन 4 रन मिलेंगे हरदेव फर्स्ट चौका आता हुआ 100 रन पूरे होते हुए लास्ट ओवर में विक्की और हेलीकॉप्टर के अंदाज में सीधा
यार बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, देख देख के मार रहे हैं। बल्लेबाजी होती हुई हेलीकॉप्टर फिर से चार रन बीस रन बना लिए इस ओवर में, 20 रन बना लिए इस ओवर में। लेकिन यहाँ पर पिकी करते हुए यहाँ पर ताबड़तोड़ साथ 26 रन बना लिए हैं लास्ट ओवर में, किसी से कम नहीं। वाओ अभी वह जोशीले है, 10 ओवर में स्कोर पहुंच गया है कितना, 116 रन मेरे ख्याल से होना चाहिए। विपुल तो ओपनर बल्लेबाज है लेकिन आज उनको काफी, आज उनका डाउन चेंज किया गया कैप्टन देवेंद्र सिंह के द्वारा। 16 रन टीम सौरभ लेवल ने बनाई है, 117 रन चाहिए जीतने के लिए चंदेरिया टीम को। पहले गेंद पे छक्का लग गए, कमल सिंह अश्वनी अच्छी गेंद सीधा लॉन्ग ऑफ की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी रोनू मौजूद, एक रन लेने का मौका, आसानी से दी हुई गेंदबाजी चाहिए। गोल हो गए, अरे यार लगी गेंद और प्ले बॉल होकर पहली गेंद पर आउट हो गए जावेद, बहुत ही बड़ा झटका लगता हुआ चंडेरिया टीम को। दूसरी गेंद पर सिंगल, सही गेंद पर चले उमेश के लिए अच्छी गेंद उठती हुई चले अच्छी गेंद अब स्टंप के बाहर, अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल, एक और विकेट गिरता हुआ, गेंद उठती हुई और उमेश के बल्ले का एक और विकेट गिरता हुआ, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, तो यहां पर चलेरिया को लगने वाला दूसरा झटका। आउट होने वाले बल्लेबाज उमेश घर खाता खोले हुए कबेलिया, एक ओवर की समाप्ति पर दो विकेट के नुकसान पर टीम चनेरिया। करन राइट हैंड ओवर द विकेट, चार रन मिलेंगे की दिशा में खेला गया साथ सीधे चार रनों के लिए पहुंचे नहीं अभी तो करन चले और फिर से चार रन, दो चौके लगातार करन की अच्छी दुलाई, अच्छी गेंद सीधा यार कलम की गेंद खोद कर निकाला रामा पर खड़े पिछले सर्कल के अंदर रोनू, एक रन लेने का जहमत के लिए ये गेंद गजब की गेंद सीधा शरीर से टकरा, अगर सनी एक बार में पकड़े होते अब तो बल्लेबाज है पर भी अच्छी गेंद पॉइंट की दिशा में कट कर दिया है, वहां पर एक रन रोनी थे फील्ड करें किस्मत बहादुरों का साथ देती है अहमद के लिए इस बीच शरीर से गेंद टकराई थी, दो रन की समाप्ति पर उछलता कूदता दम लगाता हुआ स्कोर 19 रन। अच्छी गेंद सम्मान किया यहाँ पर अच्छी और ये अच्छी गेंद काट गई प्राप्त हुई है और सीधा खेला गया साथ पर सचिन सिंह चार रन मिलेंगे, रन बचाने के चक्कर में सचिन ने कैच नहीं किया परवेज के द्वारा, सीधा लाइन की दिशा में खेल नो बॉल मौजूद धोनी एक रन लेने का मौका, कैच कर लिए थे लेकिन नो बॉल है, अंपायर का इशारा आता हुआ अगर नो बॉल नहीं होते तो एक झटका और लग सकता था। सॉरी चले अच्छी गेंद की बल्लेबाजी होते हुए अहमद के द्वारा कवर पॉइंट पर खड़े खिलाड़ी के हाथों में एक रन और यह विकेट कीपर से गेंद छूटी, ओवर की समाप्ति, हालांकि विकेट कीपिंग अच्छी कर रहे हैं विकेट कीपर लेकिन गेंद बार बार आंख में नहीं आती।
से मैंने 10 मिनट का समय लिया था और ठीक 10 मिनट के अंदर ही मैं वहां पर बनाए हैं 30 रन। तीन ओवर में 30 रन, 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए गए हैं। कितने रनों की दरकार है? सतासी रनों की दरकार। बिल्कुल दोनों टीमों के लिए बहुत ही बड़ा विकेट, एक और विकेट का पतन होता हुआ। तो खेलना चाहते थे बिग वाइड एरिया में गेंद गई शॉर्ट गली में, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर बहुत ही बड़ा विकेट खड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं किया। देवेकर ने शानदार कैच पकड़ा, इसी बीच एक विकेट और गिरता हुआ चले गया टीका। तो तीन विकेट का पतन हो चुका है और अब निश्चित तौर पर प्रवीण राय धोबी के पवेलियन लगाते हुए और अब उनका स्थान लेने के लिए जा रहे हैं नए बल्लेबाज इमरान। नए बल्लेबाज इमरान आ रहे हैं। तो नए बल्लेबाज इमरान फिर से नो बॉल, नो बॉल ये गाड़ी तो पीछे चार रन मिलेंगे एरिया में घूम के खेला गया सात निश्चित और इस चौके की मदद से इसको उछलता कूदता जा पहुंचा 40 रन। तो चार ओवर की समाप्ति के बाद तीन विकेट के नुकसान पर कलेरिया टीम का स्कोर है 40। तो रन रेट की बात हो तो मैं टेन करके रखा है। चार रन मिलेंगे फील्डर के पास, कोई मौका नहीं। गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर, एक और खूबसूरत चौके के लिए चलिए इस बार उछाल भरी गेंद और निश्चित तौर पर क्या करना। फिर से वाइड बॉल, इस बार टच किया था वहां पे, चार रन मिलेंगे भैया। ये अगर सही से टाइमिंग लिए होते तो कैच ले लिए सीमा रेखा के बाहर जा रहे थे, तो बड़ा ओवर बनता हुआ या इसी बीच खूबसूरत चौका आता हुआ पच्चीस गेंद की आवश्यकता प्राप्त किया है सचिन ने। तो अहमद को आउट किया तो अब रात में तो चौथे विकेट का पतन हो चुका है। बोल्ड हो गए इस बार यार का लड़की गेंद और सचिन ने बोल्ड कर दिया तो सब बोल्ड हो गए। निश्चित तौर पर शानदार गेंदबाजी, तो दो विकेट चटकाया इस ओवर में सचिन ने, हालांकि दो बॉल भी खाए हैं। पात्र तो स्कोर है इस समय 49। पांच ओवर की समाप्ति के बाद पांच विकेट के नुकसान पर चंदेलिया टीम का स्कोर है इस समय 49 रन। इस बार आप इस सबसे काफी बाहर, इस बार बड़ी लाइन से गए टकराई बिल्कुल और वहां इस बार इनसाइड एज गले का इनसाइड एज लगा और जब तक इस बार निश्चित तौर पर नो बॉल, नो बॉल का इशारा आता और चौका भी मिल जाएगा। फील्डिंग देखने को मिल रही है स्कोर बहुत ये देखिए 6 रन मिलने की संभावना एरिया में वहां फील्डर जरूर लेकिन रोक नहीं पाएंगे। गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर एक और सिया इस बार हल्के हाथों से शॉट एरिया में खेला वहां पर इस बार गोली की स्पीड से बॉल निकली सीधा किसी के बाद पांच विकेट के नुकसान पर स्कोर है चलेरिया टीम का इस समय 64। तो 117 के जवाब में 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 64 विकेट के नुकसान पर चलेरिया टीम का स्कोर है 64। इस बीच खतरा हो सकता था वहां पर नो बॉल एरिया में गेंद
खेल रही है तो रॉबर्ट जाकर गेंद को फील्ड करके थ्रो करके आसानी से तोड़ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। तो भाग्यशाली रहे बल्लेबाज की निश्चित तौर पर यहाँ पर बैक बॉलर गेंद करती है। इस बार चार रन मिलने की संभावना एरिया में सीमा रेखा के बाहर एक और सियारा एक चौका। और यहाँ पर बल्ले का एक विकेट गिरता हुआ गलती नहीं किया कीपर ने। चार रन मिलेंगे क्योंकि फील्डर के पास कोई मौका नहीं है और गेंद चली गई एक टप्पे दो टप्पे के साथ सीमा रेखा के बाहर। 76 रन तो 7 ओवर की समाप्ति के बाद 6 विकेट के नुकसान पर कैनेडियन टीम का स्कोर है इस समय 76 रन। मुकाबला इस समय चलता हुआ इस बार रनू है इसके नीचे क्या शानदार का टकरा है रनू ने। तो मैंने पहले ही कहा था कि बाबू बेहतरीन फील्डर है बाबू बेहतरीन खिलाड़ी है अपने टीम को फिलहाल इसी बीच साहिल के तारी का हाथ होता हुआ यू रहते हैं करता हूँ। इस बार इस समय मैदान पर संघर्ष करती हुई इस बार घुटना टिकाया लाभ किया एक रन आसानी से मिल जाएगा जब तक अश्विन फिलहाल मेरे लिए दोनों टीमें बिल्कुल समान है जो बेहतर करेगी वही मुकाबले को जीतेगी। इस बार खड़े खड़े खेला गया सा उसको नीचे है घर से जब भले निकली हेलमेट लगाना बंद क्योंकि साधारी हटी दुर्घटना घटी भारत सरकार द्वारा बहुत जारी किसका देखे कागज हाथ बोला खाया पिया पकाया बेहतरीन मुकाबला करने का प्रयास इसी बीच वाले भी चले। इस बार खिलाए साथ ही कवर एरिया में आकर फील्डर मौजूद करण सिंह है पूरी सफाई के साथ गेंद को थ्रो किया थ्रो किया क्या कमाल की फील्डिंग कर रहे हैं। ओवर की समाप्ति हो चुकी है तो 8 ओवर की समाप्ति के बाद 8 विकेट के नुकसान पर कनेरिया टीम का स्कोर है इस समय 79 रन। तो अब यहां से मात्र 2 ओवर का खेल शेष तो दूसरा से आज ओवर की तरफ सुनना हुआ ओवर इस बार चार बिल्कुल यहाँ खतरा हो सकता है निश्चित तौर पर यहाँ खतरा हो सकता था लेकिन थ्रो लगा नहीं सचिन का उसी बीच बाल बाल बचे चमड़िया। इस बार टीम चार रन मिलेंगे क्रिकेट एरिया में और उस एरिया में फील्डर मौजूद बात करेगी तो दर्शक बिल्कुल कल समय से पहुंचे मैच का आनंद ले। इस बार लेफ्ट हैंड बल्लेबाज द्वारा लॉक किया गया फिलहाल रन के लिए नहीं जाएंगे तो बिल्कुल और इस बार लॉक किया देख रहा होगा वहां पर फील्डर करण सिंह बड़ी सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया थ्रो किया रन लेने का प्रयास है लेकिन निश्चित तौर पर वाइट बॉल का इशारा आता है सचिन चले इस बार इसी बल्ले से खेला गया साथ निश्चित तौर पर रन नहीं ले रहे हैं बल्लेबाज रन लेना चाहिए भाई लेने का कोई मौका नहीं तो ये ओवर निश्चित तौर पर बहुत ही बेहतरीन ओवर रहा। सौरभ पांडे ककवा सौरभ पांडे एलेवन स्टार ककवा टीम की बात करते 9 ओवर की समाप्ति के बाद गेंदों में 36 रनों की दरकार। इस बार डीप विकेट एरिया में स्क्वायर लेग एरिया में एक टप्पे के साथ गेंद चली गई सीमा और इस बार निश्चित तौर पर
इस बार उसी तौर पर रन लेने का प्रयास नहीं कर रहे हैं बल्लेबाज। तीन गेंदों में 34 रनों की दरकार, बिल्कुल उल्टा इस बीच गेंदबाज चले साकार बल्लेबाजी। इस बार खेला है साथ वहां पर करण सिंह, करण सिंह ने शानदार कैच पकड़ा। फिलहाल विकेट जाएगा गेंदबाज के खाते में। यहाँ पर नियमों का